व वरम् मुझे आपको इस्लामी तारीख़ के उरूज व ज़वाल की कहानी सुनानी है ये कहानी जज़ीरा नुमा अरब में शुरू हुई लिहाजा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अरब का महल वक़ू और वहाँ के हालात कैसे थे अगर आप दुनिया के नक्शे पर देखें तो तीन आज़मों के संगम पर यानी एक तरफ़ अफ्रीका और यूरोप और इधर एशिया का तकरीबन ख़त्म होने वाला जो एरिया है इन तीनों संगमों पर अरब का एक वसी ख़ा मौजूद है और उस ज़माने में जो अरब की का रकबा था वो दो मिलियन यानी बीस लाख मुरबा मील का रकबा था अच्छा ये पूरा का पूरा इलाका तकरीबन सारा सहरा है जिसमें बहुत गर्म और खुश्क मौसम है और किताबों में लिखा है कि अगर जजीरा नुमा अरब के मौसम को एक्सप्लेन करना हो तो बस ये दो लफ्ज़ काफ़ी हैं गर्म और खुश्क। अलबत कहीं कहीं जहाँ कुओं में मीठा पानी और साफ पानी होता था और बाज़त वो बहुत फ़ासलों पर हुआ करते थे एक एरिया ऐसा होता था कि जिस जो सरसब्ज था और अमूमन उसमें खजूरों के बाग होते थे और उनको हम नखलिस्तान कहते थे तो जजीरा नुमा अरब के अगर आप ज्योग्राफी को देखें तो उसके मैंने रक्षा खोला हुआ है तो उसके मशरक में ईरान की हुकूमत थी और उसके मगरब की तरफ थोड़े से समंदर की एक पट्टी है और उसके बाद फिर अफ्रीका शुरू हो जाता है और अगर आप उसके ऊपर देखें तो ऊपर शाम इराक और उसके बाद शुमाल मगरब की तरफ पूरा जो आज का यूरोप है वो मेडिट्रेन सी यानी आ, उसके साथ मुतल जितना इलाका है वो सारा लगता था और नीचे की तरफ अगर आप आएँ यानी कि जनूब की तरफ तो रेलेटिवली कुछ सरसब्ज इलाका था और वो यमन का इलाका था और यमन के इलाक़े के नीचे फिर बहिर अरब शुरू हो जाता है तो ये एक पूरा का पूरा पनंसुला था जिसको हम जज़ीरा नुमाए अरब कहते हैं और जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये पूरा का पूरा एक सहरा था लिहाजा यहाँ के जो रहने वाले लोग थे यहाँ के आबो हवा की वजह से किसी किस्म की कोई मुस्तकम हुकूमत नहीं बना सकते थे बल्कि वो सारे के सारे ख़ाना बदोश थे अगर हम अरबी ज़बान का में कि लगत में अरब का मतलब ढूँढें तो उसका जो ओरिजिन है वो भी यही है जिसका एक मतलब है खाना बदोश जैसा कि आप जानते हैं कि अरबी ज़बान बहुत ही गहरी ज़बान है और एक लफ्ज़ के बहुत से माने और उनकी जो ओरिजिन है वो बहुत ही मुख्तलिफ हो सकती है तो अरब लफ्ज़ का एक मतलब खाना बदोश भी है जो कि ये जाहिर करता है कि उस ज़माने के लोगों का रहन सहन किस किस्म का हुआ करता था अच्छा अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि जब इस किस्म का माहौल हो और जिसमें खाना पीना और और गर्मी से बचना ये बुनियादी मसाइल हों ऐसी सूरत में इंसान का अकेला रहना मुमकिन नहीं है कोई अलग से घर बनाकर इसलिए अमूमी तौर पे लोग ग्रुप्स की शक्ल में रहते थे यानी पूरा का पूरा ख़ानदान इकट्ठा रहता था और एक दूसरे से ताल्लुक रखने वाले ख़ानदान जब इकट्ठे होते थे तो वो एक कबीला बन जाता था और अमूमा मौसम के मुताबिक कबीले एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते थे पानी की तलाश में और अपने जानवरों के चारे की तलाश के अंदर जो उनका एक अमूमन अमूमी पैटर्न था वो ये होता था कि खजा के, के मौसम में मानसून हवाओं के साथ मेडिटेरेनियन सी की तरफ से जब हवाएं आती थीं तो कुछ बारसों को बरसाती थीं जिसकी वजह से कुछ इलाके सरसब्ज हो जाते थे और ये तमाम खाना बदोश उन सरसब्ज इलाकों में इकट्ठे हो जाते थे और पानी और चारे का बंदोबस्त अपनी उसी जगह के ऊपर खैमे लगा कर उसमें किया करते थे और जब मौसम थोड़ा तब्दील हुआ कर, होता था तो वो फिर वहाँ से उठकर कर जनूब की तरफ यानी कि यमन के इलाकों की तरफ सफ़र करना शुरू कर देते थे उसके बाद फिर जब मौसम थोड़ी सी बारिश का मौसम होता था तो फिर सामने की तरफ आगे की तरफ ऊपर यानी शुमाल की तरफ मूव करना शुरू कर देते थे और यही सारा का सारा पैटर्न था उस इलाके में रहन सहन का अच्छा ये जो कबाइल थे जो अरब कबाइल थे जिनको हम बद्दू कहते हैं इनके अलावा यहाँ यहूदी भी आबाद थे और ईसाई भी आबाद थे ये अमूमी तौर पर ये नॉन अरब थे वो बहुत थोड़े से अरब भी थे जो कि कन्वर्ट हो के ईसाई बने थे वरना ईसाई और यहूदी ये एक अलग अलग शनाख्त के साथ अलग इलाकों में रहा करते थे यहूदी अमूमन जजीरा नुमा अरब के शुमाली इलाकों में यानी शाम और इराक़ के करीबी इलाकों में उनका बसेरा होता था जबकि ईसाई भी इसी तरीके से स्कैटर्ड आबादियों में वहां रहते थे इस सारे के साथ साथ जजी नुमा अरब में एक मुकदस जगह थी जिसका हवाला हजरत अलैहिस्सलाम बल्कि उससे पहले हज़रत आदम तक जाता है कि वो अल्लाह का घर मक्का के अंदर हजरत आदम ने बुनियाद रखी और फिर हजरत इब्राहीम ने बाकायदा एक मुस्ततील सा कमरा वहाँ बनाया और बाद में हज़रत इस्माइल उन्होंने उसको टेक ओवर किया और फिर उनकी औलाद उसको आफ्टर करती रही चाहे ये खाना बदोश अपने मजहबी अकायद के अंदर जिसका मैं भी अर्ज़ करूँगा बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके थे मगर फिर भी इन्हें अपने दादा यानी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मज़हब के साथ ताल्लुक़ मौजूद था और ये गो कसरत पर यकीन रखते थे यानी एक खुदा की बजाय बहुत ज़्यादा डाइट्रीज़ यानी खुदाइयाँ या बहुत ज़्यादा डोमेन खुदा के उस पर यह यकीन रखते थे लेकिन बहर हाल इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के खुदा जिसको अल्लाह कह के बुलाते थे उनकी ज़बान में उनको भी मानते थे लेकिन साथ वो ये भी कहते थे कि मुख्तफ कामों के लिए वो सारी क़तें जो हैं वो और खुदाओं को भी आगे, आगे डेलीगेट कर दी गई हैं आगे दे दी गई हैं तो इस बुनियाद पर हर खुदा की निशानी के तौर पर खाना क़बा के इर्द गिर्द मुख्तलिफ बुत रख दिए गए थे और ये तकरीबन तीन सौ साठ के करीब बुत थे जो कि वहाँ मौजूद थे और उनका ये अकीदा था कि ये खुदा उनका काम करवा सकते हैं या ये उनके लिए कर सकते हैं इसीलिए ये उन्हीं खुदाओं की इबादत भी करते थे और उनके आगे नज़र नयाज़ और चढ़ावे भी चढ़ाते थे और उनको सजदा भी करते थे अलबत्त एक पूरे तसलसल के साथ हज़रत इस्माईल सलाम का ख़ानदान उस काबे की रखवाली करता था और तमाम कबीलों के लिए ये जो घर था ये एक मुक़दस घर के तौर पर वहाँ मौजूद था दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि ये जो कबाइल थे इन कबाइल के दरमियान अमूमन लड़ाई होती रहती थी क्योंकि सर्वाइवल के लिए पानी जानवर उनका चारा ये वो मेन मसाइल थे कि जिन जिन पर जिन जिन पर उनका गुजर बसर होता था और जहाँ उन्हें लगता था कि उनके इस हक़ को कोई और कबीला हक मार गया है तो उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती थी तो आपने ये सुना होगा कि एक जगह पर फ़र्ज़ करें पानी का चश्मा है तो वहाँ पानी पिलाने पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थीं और फिर ये कबाइली लड़ाइयां जो हैं ये साल हा साल तक जा जारी रहती थी और इसमें बहुत ही कुश्त तो खून होता था और इसके अलावा आहस्ता आस्ता वो जो दीन इब्राहिमी और सनत इब्राहिमी से दूर होते होते इन कबाइल के अंदर बहुत से अजीब किस्म के रस्म व रवाज भी हो गए थे जिनमें से एक अहम बात ये थी कि औरतों को ये एक कमतर मखलूक के तौर पर समझते थे और चूँकि एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े के दौरान हमला करके जो उनका मालो असबाब है वो दूसरे कबीले का लूटते थे तो उस माले मालो इसबाब के साथ उनके नौजवान जो कि उनके गुलाम बन जाते थे और उनकी लड़कियाँ उनको भी ले आते थे जो कि उनकी कनीज़ें बन जाती थी जी और फिर वो उनके साथ यानी बहुत ही बेसलूक किया करते थे इसलिए उस माशरे में लड़की का होना एक कर्स या लड़की का होना एक बदकस्मती के तौर के ऊपर समझा जाता था लिहाज़ा आपने ये ज़रूर सुना होगा कि ज़माना उसको जमाना जहलीत इस्लाम के रेफरेंस से कहते हैं इस्लाम इस्लामी, इस्लामी यानी उस जाहलीत के दौर के अंदर लोग अपनी बेटियों को अक्सर मार देते थे पैदा होते ही इसलिए कि कहीं ये उनके लिए नदामत का बायस ना बने दूसरी अहम बात जानने की यह है कि वो जो कबाइल थे इस तरह का ज़मीन से चारा और पानी और खजूरें इनके अलावा इनका एक और ज़रिया माश था और वो तजारत था लिहाजा इन से कुछ लोग जो ज़्यादा स्मार्ट थे वो तजारती काफ़ले लेकर शुमाल की तरफ जाया करते थे और जुनूब की तरफ यमन में जाया करते थे शुमाल की तरफ जो सबसे इनकी पसंदीदा जगह थी वो शाम था जहाँ ये तजारत के लिए जाया करते थे और इसके अलावा जब मैं अभी थोड़ी देर बाद अर्ज़ करूँगा जब मैं जजीरा नुमा अरब के हमसायों का जिक्र करूँगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कभी कभी इनके तजारती काफिले यूरोप तक का जिनमें स्पेन और इटली तक का सामान था तो उस सामान के साथ भी तजारत किया करते थे तो ये वहाँ का एक अमूमी रहन सहन था अच्छा यानी इसका मतलब यह है कि वहां कोई बाकायदा हुकूमत कायम नहीं थी बस कबीले थे उन कबीलों का सरदार होता था और वो कबीले एज यूनिट काम करते थे और कबीले के अगर एक फ़र्द को कोई प्रॉब्लम होता था तो वो पूरा पूरा कबीला उसके लिए उसकी मदद करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार होता था अच्छा अब हमें जानना ये ज़रूरी है कि जज़ीरा नुमा अरब के इर्द गिर्द हमसाए कौन थे अच्छा वो जो हमसाए थे ना इर्द गिर्द वो यहाँ की आबो हवा और मौसम की वजह से यहाँ आने से कतराते थे सवाय तजारत के कुछ कामों के मूमन इस इलाके में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल ये है कि सन के 300 साल पहले सातवीं हिजरी के यानी सा, सातवीं सदी ईसवी सदी के जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ जिसमें कि बेहसत हुई नबी पाक वसल्लम की इससे 300 साल पहले सिकंदर आजम ग्रीस यूनान से यूरोप से चला और वहाँ से दुनिया को फतेह करता हुआ हिंदुस्तान तक आ गया लेकिन उसने और इसको क्रॉस करता हुआ चला गया लेकिन उसने आके जजीरा नुमा अरब को फतेह करने की या हासिल करने की कोई कोशिश नहीं की इसलिए कि उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था इसी तरीके से इसके मशरक में जो ईरानी गवर्नमेंट है ईरानी हुकूमत है ससानी हुकूमत जिसे कहते थे उस हुकूमत ने जब ताकत पकड़ी तो उसने भी एक्चुअली इस इलाके को बहुत लिफ्ट नहीं कराई और वो भी ऊपर की तरफ इराक का इलाका और जो कैस्पियन सी के नीचे वाला जोन था वो उसको आ, आ, करने लगे उस, उस उसको उन्होंने कंट्रोल में लिया लेकिन इस इलाके की तरफ किसी किस्म का उन्होंने कोशिश नहीं की अच्छा अलबत् ये हुआ कि जबकि ये अरब के अंदर ये कबायली निज़ाम चल रहा था तो इसके इर्द गिर्द दो तीन हुकूमतें बड़ी कायम हुई जिनका जानना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से हमें फिर समझ में आएगा कि कैसे इस्लामी तारीख जो है वो आगे बढ़ी इसके शुमाल मगरब की तरफ यानी शुमाल मगरब की तरफ जहाँ मेडिट्रेन सी है यहाँ एक बहुत मजबूत ईसाई हुकूमत थी जिसको रोमी हुकूमत कहते हैं रोमन्स उनकी एक हुकूमत थी और इसके मशरक शुमाल मशरक़ की तरफ सासानी हुकूमत जिसको हम ईरानी हुकूमत कहते हैं ईरान की सल्तनत थी वो दो बहुत ही ताकतवर क़वतें यहाँ मौजूद थी एक्चुअली जिस तरीके से इस वक्त दुनिया में बाईपोलर दुनिया है यानी अमेरिकन और रशियन ब्लॉक समझा जाता है इसी तरह उस जमाने में ये दो बड़ी हुकूमतें थी एक रोमन अम्पायर और एक ईरानियन अम्पायर जिसको सासानी हुकूमत भी कहते हैं अच्छा ये जो अरब कबाइल थे ये एक्चुअली इन दोनों में से किसी के साथ नहीं थे अलबत्त वो कबाइल जो कि ईरान के करीब करीब थे उन्होंने अपनी एक हुकूमत बना ली थी जिस हुकूमत के ए, उसका नाम मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ बल्कि अगर आप इजाजत दें तो मैं एकदम उस मैंने उसको नोट्स बनाए थे तो मैं आपको उसमें से देख अभी बता सकता हूँ इस हुकूमत को गस्सानी हुकूमत कहते थे गस्सानी जो हुकूमत ईरान इसके रोमन हुकूमत और अरब कबाइल के दरमियान थी उसको गस्सानी हुकूमत कहते थे और एक हुकूमत वो कबाइल जो ईरान के करीब थे उसका नाम बनू लखम था यानी इनके वो कबाइल जिनकी जोग्राफिया हालात यानी जो सिचुएशन है वो ईरान के करीब थी बनू लखम उन्होंने एक छोटी सी अपनी हुकूमत बना ली थी और उप और दूसरी तरफ वो कबायल जो के यूरोप की तरफ थे वहां गसानियों ने अपनी हुकूमत बनाई थी अच्छा ये गसानी एक्चुअली एक बफर का, का काम करते थे जब ईरान हमला करता था रोमन्स के ऊपर और ये बनु लखम वाले एक बफर का काम करते थे जब रोमन हुकूमत उसके ऊपर हमला करती थी मगर इन इन चारों हुकूमतों में जो अरब के कबाइल थे वो सारे फायदा उठाते थे बस वो कब जब जिनको उनको लगता था जब कोई जीत रहा होता है तो उसको सपोर्ट कर देते थे या वाकियाती हकीकतों की बुनियाद पर कभी किसी को सपोर्ट कर देते थे मगर किसी कभी किसी को सपोर्ट कर देते थे लेकिन इन तमाम हुकूमतों के थ्रू वो अपने कारोबार को जो कि तिजारत के मुख्य कारोबार था उसको खूब बढ़ाते थे और आखिर में मैं आपको इस एपिसोड के आखिर में आपको यह बताना चाहूंगा कि जो सऊद जो अरब बहिरा अरब का यानी जो जजीरा नुमा अरब का मगरबी बॉर्डर है उसके सामने समंदर है और जब उस समंदर को क्रॉस करें तो परली तरफ फिर अफ्रीका है और वो जो अफ्रीका है उसमें उस वक्त जहाँ ऊपर मिस्र है मगर नीचे एक बहुत बड़ी ईसाई हुकूमत थी जिसको एबिसेनिया या हबशा जो आजकल कल अथोपिया है ये उसकी हुकूमत थी तो यहाँ की ये हुकूमत भी तकरीबन पूरे अफ्रीका को कंट्रोल करती थी और इस हुकूमत ने के जो जो थे सरबरा वो भी ईसाई थे क्योंकि रोमन भी ईसाई थे तो लिहाजा इन दोनों की आपस में थोड़ा ताल्लुक था अलबत्ता जो दरमियान का आबी गुजरगाह थी समंदर का रास्ता था इसको कैप्चर करने के लिए इनके दरमियान भी झगड़े होते रहते थे लिहाजा जब अगली एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि इस जजीरा अरब में कैसे इस्लाम की किरण फूटी आखिरी बात यह बताना जरूरी है कि जजीरा नुमा अरब में नबी अलैहि वसल्लम की रसालत के वक्त पर्शियन गवर्नमेंट और रूमी गवर्नमेंट ये दोनों लड़ लड़ के आपस में झगड़ झगड़ के बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी तो ये है आज के एपिसोड मैं आपको जल्दी जल्दी इसकी एक समरी बताता हूँ मैंने आपको ये बताया है कि जो जजीरा नुमा अरब है ये एशिया अफ्रीका और यूरोप के संगम में मौजूद है और ये बिल्कुल लकोदक सहरा था सतवीं सातवीं सदी ईस्वी में और यहां कबाइल रहते थे वो सिर्फ़ पानी की तलाश में मूव करते रहते थे और नखलिस्तान के में अमूमन इनके खेमे थे जिसमें ये कबीलों की शक्ल में रहते थे कुछ कबाइल जो है वो तजारत भी करते थे और इनके अंदर कोई मुनम हुकूमत नहीं थी और अलबत्तः खाना काबा एक मौजूद था जो सब के लिए मुतबर्रक था कुछ यहूदी और ईसाई भी यहाँ रहते थे फिर मैंने आपको इस इनके हमसायों के बारे में बताया और उनके हुकूमती नज़ाम के बारे में बताया आखिर में एक बात बहुत ज़रूरी बताने की है कि जिस वक्त इस तरह के हालात हों तो ऐसे हालात में कोई आर्ट कोई कल्चर कोई क्राफ्ट ये तो पैदा नहीं होता लिहाजा आपको उस ज़माने की पूरी तारीख़ में इस किस्म के कोई फ़नून लतीफ़ा नज़र नहीं आते आपको कोई बड़ी बिल्डिंग्स नज़र नहीं आती जैसे रोमन अम्पायर की बिल्डिंग्स नज़र आती हैं अलबत्त ये हुआ क्योंकि ये लोग खानदान की शक्ल में कबीलों की शक्ल में आपस में बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते थे इसकी वजह से इन्होंने एक फन में बहुत महारत हासिल की और वो थी इनकी जबान इस ज़माने का इनका जो सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ या सबसे बड़ी फख्र की चीज़ थी वो इनकी जबान थी और अरबी जबान इसीलिए इस कदर रिच है कि एक एक लफ्ज के कई कई माने हैं एक शख्स अगर खड़ा है और एक बैठा है तो आम ज़मानों में खड़े और बैठे के लिए दो लफ्ज हैं लेकिन अरबी जबान में कितना खड़ा है कितना बैठा है उसके लिए मुतद अल्फाज हैं तो उर्दू यानी अरबी जबान को उन्होंने इस चाशनी के साथ डेवलप किया कि उसमें जो उनकी नसर और उनकी खास तौर पर शायरी उसकी धूम पूरी दुनिया में मौजूद थी और अमूमन ये जो शायरी है ये शायर रज़मिया किस्म की शायरी करते थे जिसमें वो अपने कबीले का की तारीफ़ करते थे अपने कबीलों को की कवलला बढ़ाने के लिए बात किया करते थे इसी तरीके से बहुत सारे क़ायद जो हैं वो औरतों के हसन के मतलब और इश्क मोहब्बत की दास्तानों के मुतल थे और कुछ रूहानियत के मुतक थे और इसी तरीके से शराब की तोसीफ़ में क्योंकि शराब के ये बहुत रशिया रसिया थे तो शराब की तोसीफ़ में भी इनकी शायरी के बहुत यानी पोइटिक सेंस के आलीशान नमूने मौजूद हैं ये ज़बान की जो खूबसूरती थी ये इस्लामी तारीख़ के अंदर इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है इसलिए आखिर में ये बताना चाहता था कि इसकी बुनियाद उस कबायली निज़ाम के अंदर ही मौजूद थी तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द इसकी दूसरी एपिसोड आपके साथ शेयर करूं इसको आप प्लीज़ सुनिए और मेरी ये भी गुजारिश होगी कि अगर आप अपने बच्चों को सामने बिठा के इस पूरी सीरीज़ को सुने तो हमारे बच्चों के जहन में भी टाइम लाइन के अंदर इस्लामी तारीख का कुछ ना कुछ अंदाज़ा उनको हो जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया